न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की अनुशंसा पर साप्ताहिक दुकान पूरे छत्तीसगढ़ में बंद किया गया है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत नगर पंचायत नवागढ़ में शनिवार को देखने को मिला। प्रदेश सरकार के निर्णय पर व्यापारियों ने खुशी जताई है, जिसे व्यापारियों ने स्वागत किया है। अब्दुल वहाब व शिव गौड़ ने शनिवार को दुकान बंद होने से व्यापारी को कड़ी राहत मिली है। प्रदेश सरकार ने अहम निर्णय और सभी व्यापारियों को सुरक्षा व नियमों का पालन करने की अपील की है। जहां नवागढ़ नगर पंचायत में व्यापारियों द्वारा साप्ताहिक लॉकडाउन का पूर्ण पालन किया जा रहा है और पूछने पर हमेशा सप्ताह में एक दिन सभी दुकान बंद रहना चाहिए। ऐसी ही खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नवागढ़ राजाभाटा जांजगीर चांपा से बालेश्वर का सबकी रिपोर्ट। रहने वाला कहाँ सर? रहने वाला राजाभाटा नाम करता हूँ। अच्छा, यहाँ साप्ताहिक हर शनिवार का बंद रहता है, इसमें आप लोग को कुछ परेशानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परेशानी तो नहीं है, लेकिन हर हफ्ता बंद रहना भी जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार अभी बीमारी है देश में, तो हिसाब से बंद रहना जरूरी भी है। नहीं, क्या है कि सप्ताह में जो बंद है तो बहुत से ऐसे दुकान से जिनका रोज का लेना देना होता है, इसमें भी कुछ परेशानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, परेशानी तो नहीं हो रहा है, और हमेशा ही बंद रहना चाहिए, सप्ताह में एक दिन हमेशा ही बंद रहना चाहिए, जिससे सबको कुछ करने के लिए मौका मिल जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल वहाब है, मैं वार्ड क्रमांक 15 का रहने वाला हूँ। और यहाँ शनिवार का साप्ताहिक बंद किस कारण रहते हैं? घुमासा एक है जो अभी राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि हर नगर पंचायत नगर पालिका एक दिन बंद रहना चाहिए। उस घुमासा एक्ट के तहत हमारे नवागढ़ बंद रहता है शनिवार, और संपूर्ण लॉकडाउन रहता है, जिसमें हर व्यापारी का समर्थन रहता है।